नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। मैं हूं दिनेश दीक्षित। दो दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चंडीगढ़ प्रदीप छाबड़ा ने अर्थ प्रकाश टीवी पर दिए गए अपने इंटरव्यू में क्या लगाए थे आरोप सांसद किरण खेर पर, और अब सांसद किरण खेर उन आरोपों का क्या दे रही है जवाब, देखे अर्थ प्रकाश टीवी की ये खास रिपोर्ट। मुद्दा नहीं बनाया, कांग्रेस ने सवाल किया कि मैडम आप शहर के भलाई के लिए क्या करें। हमने सवाल किए थे, हमने इसको मुद्दा नहीं बनाया कि आप कहाँ हैं। हमने कहा आप चंडीगढ़ आ जाइए, वो कहते हैं मैं चंडीगढ़ में हूँ। हमने कहा एक बार चलो, और तो नहीं, पब्लिक को नहीं, ऑफिसर्स को नहीं, कम से कम गवर्नर साहब रोज मीटिंग लेते हैं, रोज फोटो लगती है, उनके साथ एडवाइजर बैठे हैं, DGP बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे हैं और लोग बैठे हुए हैं, तो आप भी एक बार मीटिंग अटेंड कर लीजिए। नहीं है तो ऑनलाइन करके बता दीजिए, नहीं तो लाइव आ जाइए। लेकिन वो लाइव नहीं आई, उन्होंने दो CD जारी करी, दोनों की दोनों रिकॉर्डेड। देखिए 1947 के बाद इतना एक डरावना जो दृश्य इस देश में हुआ, किस तरह से प्रवासी मजदूर जो है जगह जगह से, पूरे हिंदुस्तान से, मुंबई से लेके कर्नाटका से लेके दिल्ली से लेके, किस तरह पैदल चले, उसमें हैंडीकैप भी थे, उसमें प्रेग्नेंट वीमेन भी थी, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, और भूख से बरतते हुए दो दो दिन उनको कुछ खाने को नहीं मिला। तो उस वजह से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक फैसला किया कि 1947 के बाद पहली बार हमें ऐसा देश में देखने को मिल रहा है, और उन्होंने जितने भी प्रवासी थे, जितने भी श्रमिक थे, उनके लिए एक फैसला किया कि इनको अपने अपने प्रदेशों में भेज दिया जाए। लेकिन उनके पास जाने के लिए किराया नहीं था, तब उन्होंने ये डिसीजन किया कि सारी प्रदेश कमेटियां को आदेश दिए इन सबको भेजने की व्यवस्था की जाए, और उसके लिए हम लोग कोई किसी को कैश नहीं दे रहे, हम लोग उनको किराया जो है प्रशासन को देंगे ताकि वो ट्रेन की टिकट उनकी उनको मुहैया। नमस्कार, अब UP और बिहार के लिए लगातार श्रमिक गाड़ियां, रेलगाड़ियां श्रमिकों को अपने गांव वापस लेकर जा रही हैं। चंडीगढ़ से 4 दिन से ये गाड़ियां जा रही हैं, रोज की 2 या 3 गाड़ियां जाती हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जबकि किराया सबका भारत सरकार दे रही है, और चंडीगढ़ से जितने भी यात्री जा रहे हैं सारा किराया यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है चंडीगढ़ की, किसी भी श्रमिक से एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जोरों शोरों से इस बात को लेकर शोर मचा रही है कि जितनी भी गाड़ियों की टिकटें हैं लोगों की, उसके पैसे वो दे रहे हैं। इतना सफेद और बड़ा झूठ सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बोल सकती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।